हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गैस टर्मिनल में काम कर रहे श्रमिकों ने पुलिस पर किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल, कंपनी के कार्यालय में भी तोड़फोड़। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र के आरजीटी गैस टर्मिनल में श्रमिकों द्वारा कार्यालय में तोड़फोड़ तथा पुलिस पर पथराव कर गाड़ी को पलट दिया है। गौरतलब है कि गुड़ामलानी में आरजीटी गैस टर्मिनल में कार्य कर रहे बिहार निवासी राजकुमार उम्र 20 वर्ष नामक एक श्रमिक की 3 दिन पूर्व पाइपलाइन फूटने से मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने श्रमिक के शव को बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया था और कंपनी द्वारा उन्हें 15 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात की गई थी। इसके बाद शव को कल बाड़मेर से बिहार के लिए रवाना भी कर दिया गया था। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि कल देर शाम गुड़ामलानी में काम कर रहे बिहार के श्रमिकों में यह अफवाह फैलाई गई कि उनके साथी के साथ कंपनी द्वारा अन्याय किया गया एवं उसे उचित मुआवजा नहीं दिया। इस पर श्रमिकों ने एकत्रित होकर कंपनी के मुख्य गेट के बाहर नारेबाजी की तथा गार्ड रूम के कांच तोड़े। इस पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो श्रमिकों ने पुलिस पर भी पथराव किया, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया। पथराव में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी लगी है, इनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है, जो भी इस मामले में दोषी आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए आनंद शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। देखिए, 3 दिन पूर्व आरजीटी जो गैस टर्मिनल है वहाँ पर एक श्रमिक जो बिहार से था उसकी कार्य करने के दौरान कोई हादसे में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कंपनी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया, परिजनों को शव सुपुर्द किया गया और कंपनी ने अपने नियमों के अनुसार उनको 15 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया और वो शव लेकर के वो बिहार पहुंच भी गए हैं, उसका अंतिम संस्कार भी शायद हो चुका होगा। उसके बाद कल नॉर्मल श्रमिक काम पर लौट आए थे, परंतु शायद कुछ अफवाह या किसी ने कोई श्रमिकों के अंदर असंतोष पैदा किया कि कम मुआवजा दिया गया और न्याय नहीं हुआ उनके साथी के साथ, इसलिए आज सुबह करीब 400-500 जो बिहारी श्रमिक हैं वो सब वहाँ पर इकट्ठे हुए और नारेबाजी की कंपनी के खिलाफ, और फिर उन्होंने जो कंपनी के मेन गेट पर एक गार्ड का कार्यालय था जिसमें कंप्यूटर वगैरह आ रहे सामग्री थी और शीशे वगैरह थे, उसको तोड़फोड़ कर दिया। मौके पर जब पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची तो इन्होंने पुलिस ने उनको कंपनी के कैंपस के अंदर नहीं घुसने दिया, बाहर की तरफ खदेड़ा तो उन्होंने जाते हुए पथराव किया और जो पुलिस की गाड़ी थी उसको भी पलट दिया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराधाम मेघवाल की रिपोर्ट।